तो हाँ यार, मुझे पता है कि मैं वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ, पर जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट में कहा था कि वन पीस का नया एपिसोड जिसने सच में इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है, उससे रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जिसमें कि लूफी के गियर 5 से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि गियर 5 के क्या ड्रॉबैक है और उसके यूज़ के क्या बेनिफिट है और गियर 5 के बाद लूफी का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुमको पता होगा कि गियर 5 रिप्रेजेंट करता है लूफी के फ्रूट के फुल पोटेंशियल अवेकनिंग को, जिससे कि तुम समझ सकते हो कि उसका पावर किस लेवल तक चला गया है। और गियर 5 को देखने के लिए हम लोगों को काफी लंबे टाइम का वेट करना पड़ा, पर जो भी मिला उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। लूफी के गियर 5 उसको डेमीगॉड लेवल वाला स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, उसकी स्पीड, फाइट करने की एबिलिटी को भी काफी हद तक बढ़ा देता है। और तुम्हें तो पता ही होगा, ज्यादा ताकत लाती है ज्यादा परेशानियां। हाँ, गियर 5 के कुछ ड्रॉबैक भी है जो कि एकदम सिंपल है, कि लूफी की गियर 5 को यूज करना और उसको मेंटेन करने में उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम होती है। इसके यूज करना लूफी को फायदा तो करेगा पर नुकसान भी होगा, जैसे कि वो गियर 5 के यूज करने के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे हीरो के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे अभी हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम इस चीज का सिर्फ मजा लो। पर इससे एक चीज तो कंफर्म होता है कि लूफी को आने वाले एपिसोड में हम एज अ पायरेट किंग भी बनते हुए देख सकते हैं। और एट लास्ट एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक निकल कर आता है कि क्या लूफी अब केडो से ज्यादा पावरफुल बन गया है, या तुम लोगों पर, क्योंकि सबका अपना अपना अलग नजरिया है और ओपिनियन है, और इस चीज को कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें लूफी और केडो से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। एट लास्ट, अगर तुम नामी के फैन हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, वरना तुम्हें पाप लगेगा।